साथियों नमस्कार। कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का भरपूर स्वागत है। साथियों मेंस कॉन्सेप्ट सीरीज के अंतर्गत आज आप देखेंगे पेपर 7 जिसके पार्ट 3 में कुछ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में बात की गई है और इसी तारतम्य में हमने पिछली क्लास में NCERT के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे UGC के बारे में। साथियों जब भी आप CGPSC का एग्जाम देते हैं तो आपका प्रीलिम्स के बाद जो एक महत्वपूर्ण चरण होता है, या कहें कि आपके एग्जाम का उन तीनों चरणों में से प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चरण होता है तो वो मेंस होता है। क्योंकि मेंस में आप प्रत्यक्ष तौर पर फिजिकली अवेलेबल ना होकर के आपको एग्जामिनर के सामने आपकी योग्यता का परीक्षण कैसे होगा, तो आपके द्वारा लिखे हुए आंसर के कारण ही, उसी को देख करके ही एग्जामिनर ये समझेगा कि आप में एक अधिकारी बनने की योग्यता है कि नहीं। क्योंकि प्रीलिम्स में तो आप OMR में आंसर करते हो, उसके बाद जब मेंस में आप राइटिंग लिखते हो, जब आप मेंस में क्वेश्चन लिखते हो, जब मेंस में आप ये बताते हो कि अगर मान लीजिए UGC को 2 नंबर में एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि UGC को आपको 2 नंबर में बताना है, वहां आपकी शब्द सीमा भी निर्धारित है कि शब्द सीमा कितनी, 30 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। उसी प्रकार 4 नंबर में अगर UGC पूछा गया तो आपको 60 शब्दों में कवर करना होगा। उसी प्रकार 8 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो 100 शब्द, और उसी प्रकार 15 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको 175 शब्दों में क्या करना है, आंसर लिखना है। शब्द सीमा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में तो हम उसको 100 शब्द में लिख रहे हैं। साथियों जो एग्जाम में आपकी डिमांड है कि आपको तय समय में, तय फॉर्मेट में, जितनी शब्द सीमा में बोला गया है उसमें, मान लीजिए आपसे 30 कहा गया है तो 30 से 40 जा सकते हो आप, और 30 में 25 भी हो सकता है, लेकिन उसमें ही आपको क्या करना है। एक तरह से अगर कहें, मैंने पिछली क्लास में भी कहा कि मेंस जो है वो गागर में सागर भरने का काम करना होता है। तो साथियों आज हम UGC के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले कंपटीशन कम्युनिटी बिलासपुर सेंटर की तरफ से, या कहें कि कंपटीशन कम्युनिटी की टीम की तरफ से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। साथियों अब हम जो बिलासपुर सेंटर में हुआ करते थे, कहाँ, बिलासपुर में अभी तक हम हुआ करते थे मंगला चौक में, अब साथियों हम यहाँ से चल करके पहुँचने वाले हैं गांधी चौक में। आप सभी छात्रों के डिमांड पर ही कि हम गांधी चौक से मंगला चौक पहुँचने में असमर्थता महसूस करते हैं, थोड़ी दूरी हो जाती है, और चूंकि यहाँ का हब माना जाता है गांधी चौक, तो अब हम आ रहे हैं आपके बीच। अब आपको नहीं आना होगा। 25 जून से कंपटीशन कम्युनिटी कहाँ पहुंच रहा है, आपके गांधी चौक पहुंच रहा है साथियों। लेकिन उसके पहले, 25 जून से कोर्सेज शुरू हो उसके पहले आपके लिए एक बेहद सुनहरा मौका है। CGPSC के कुछ कोर्सेज, जैसे CGPSC प्रीप्लेसमेंट इंटीग्रेटेड बैच में आप क्या करेंगे, आप अगर अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो आप उसके पहले होने वाली 19 जून के स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग ले सकते हैं। इसमें आपको CGPSC कोर्सेज में और खासकर इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इससे संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर, जैसे 9171 50 और 4000, या आप डायल कर सकते हैं 7747 90111। तो साथियों इन सब कॉन्टेक्ट नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। चूंकि ये इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी इसलिए आपको बताया गया, और ये जो 19 को टेस्ट होने वाला है मेगा स्कॉलरशिप, ये न केवल आपको फीस में 90% डिस्काउंट, बल्कि उसके साथ साथ आपको कई सारे अवार्ड भी, कई सारे पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। जो फर्स्ट रैंक आएगा 90% मिलेगा, जो सेकंड रैंक आएगा उसे 80% डिस्काउंट, प्लस उसके साथ साथ स्मार्ट वॉच मिलेगी। उसी प्रकार आपको एयरवेट का भी अलग अलग नंबर आने पर अलग अलग मार्क्स, अलग अलग आपको ऑफर दिए जाएंगे। और ये कब होगा, ये 19 जून को होगा। कहाँ कहाँ होगा, तो ये गांधी चौक का जो हमारा एड्रेस है साउथ कैफे, वहाँ भी होगा, और बिलासपुर का मंगला चौक रियल हेवन में भी ये आयोजित किया जाएगा।
का। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इनमें बात करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप जा सकते हो। अब साथियों, हम बात करते हैं अपने टॉपिक का। हमारा टॉपिक है आज का यूजीसी। यूजीसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यूजीसी साथियों क्या होता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नाम से ही आपको कुछ कुछ स्पष्टीकरण मिल रहा होगा। इसका ध्येय वाक्य क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। अब आइए हम देखते हैं कि यूजीसी है क्या। यूजीसी क्या होता है साथियों? यूजीसी क्या होता है? यूजीसी नाम से ही स्पष्ट है। यूजीसी नाम से ही स्पष्ट है। यूजीसी में क्या आप देखोगे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कैसे, क्या होता है यूजीसी? तो साथियों, यूजीसी की अगर शुरुआत की बात करें, मान लीजिए आपसे यूजीसी क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको 3 नंबर में इसको बताना है, तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि यूजीसी जो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वो कब? 28 दिसंबर 1953 को क्या हुआ? पहली बार अस्तित्व में आया। लेकिन ये अस्तित्व में आया पहली बार कब? 1953 में। लेकिन इसे इसे क्या किया गया? इसे भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानक, समन्वय, निर्धारण, इनका सबका, प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के लिए इसे क्या किया गया? इसे एक अधिनियम के द्वारा, संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करके इसे क्या? संविधिक दर्जा दिया गया। और सांविधिक दर्जा कब दिया गया? सांविधिक दर्जा दिया गया 1956 में। तो साथियों, आपको क्या बताना है? अगर आपके 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको बताना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, वो क्या करता है? वो भारत में विश्वविद्यालयीन शिक्षा, कहने का मतलब जो उच्च शिक्षा है, उसमें क्या करता है? उसमें समन्वय, निर्धारण या उसके रख रखाव के लिए क्या करता है? काम करता है। और ये पहली बार अस्तित्व में कब आया? तो ये पहली बार अस्तित्व में आया 1953 में। लेकिन इसे सांविधिक दर्जा कब दिया गया? तो 1956 में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। और साथियों, इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेड ऑफिस है, जो इसका प्रधान कार्यालय है, वो कहां है? वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में कहां है? तो बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में ये स्थापित है। अब देखिए, आपको 3 नंबर में इतना सा आपको बता देना है। तो इसमें आपने क्या क्या कवर किया? इसमें आपने कहीं ना कहीं उसका इतिहास भी बताया कि पहले ये अस्तित्व में कब आया, फिर उसके बाद आपने बताया इसका काम क्या है। तो इसका काम भी हमने आपको बताया कि समन्वय, निर्धारण और रखरखाव का काम करता है। और वर्तमान समय में ये सांविधिक दर्जा इसको कब मिला? तो 1956 में। तो ये आप इसके बारे में बता सकते हैं और डिटेल में। अब मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन यूजीसी के बारे में पूछ लिया गया कि इसको आपको बताना है 4 नंबर में। अब आपको यहां 60 शब्दों में लिखना पड़ेगा। आप आगे बढ़ सकते हैं, वहां ये बताएंगे कि भारत में विश्वविद्यालय को क्या करता है? मान्यता प्रदान करता है। अब आप मान लीजिए कि कोई यूजीसी जैसी संस्था ना होती, जैसे हमने स्कूली शिक्षा के लिए NCERT की बात की थी। अब मान लीजिए कि कोई उच्च शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिए, यूनिवर्सिटी सिटी एजुकेशन के लिए, मान लीजिए यूजीसी जैसी संस्था ना होती, तो गली चौराहों में जैसे आप देखते हो सब्जी के ठेले लगे रहते हैं, उसी प्रकार अनगिनत क्या होती? यूनिवर्सिटीज होती। क्योंकि ये क्या करता है यूजीसी साथियों? जो होता है वो किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को कुछ मानक निर्धारित करता है कि इस मानक पे खरे उतरने के बाद ही क्या किया जाएगा, किसी भी विद्यालय को, सॉरी, किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय को मान्यता दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बेसिक मानक, कुछ न्यूनतम मानक तय किए जाते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जाम फॉर्म भरते हैं, सपोज जैसे कोई इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा होता है, तो उसके लिए क्या न्यूनतम कुछ मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं कि उसकी एज 25 साल होनी चाहिए और वो क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसी प्रकार मान लीजिए यूनिवर्सिटी की हम बात करें, किसी महाविद्यालय की बात करें, और वो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय किससे? साइंस से संबंधित है, मेडिकल से संबंधित है। तो वहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या करेगा? वहां वो ये तय करेगा कि वहां लैब की फैसिलिटी होनी चाहिए, वहां टीचर्स जो होने चाहिए उनकी योग्यता क्या होगी। इन सब का निर्धारण करने का काम कौन करता है? वो यूजीसी का काम है। तो आपने देखा कि वहां की प्रक्रिया का निर्धारण, उसका समन्वय और उसके रखरखाव का काम विश्वविद्यालयीन शिक्षा का कौन करता है? यूजीसी करता है।
पूरे देश में अपने कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए यूजीसी ने क्या किया है। अब साथियों मान लीजिए कि कोई एक इतना बड़ा आयोग है और उसका कोई एक कार्यालय है, वो एक जगह से संचालित करने में कई बार समस्याएं आती हैं, तो ये अपने काम का विकेंद्रीकरण कैसे करे, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करे, कैसे अपने कामों को व्यवस्थित तरीके से क्या करे, क्रियान्वित करे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए टीम के तौर पर काम करेंगे। जैसे आप देखते हो आपके घर, परिवार, समाज या किसी संस्था में बहुत बड़ा अगर कोई काम होना है, तो आप मान लीजिए आपके घर में कोई समारोह है, वहां कैसे, अब बहुत सारे काम है, तो बहुत सारे काम आपका घर का कैंडिडेट जो मुखिया है, मान लीजिए आपके फादर साहब हैं, तो वो तो नहीं कर सकते, उसके लिए वो कुछ काम आपको देंगे, कुछ आपके माताजी को, कुछ और फैमिली मेंबर को देंगे। तो कैसे, उसी तरह से जो अपनी इनके काम हैं यूजीसी के अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, उसके कामों के विकेंद्रीकरण के लिए की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इन्होंने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर में क्षेत्रीय क्या है, कार्यालय बना के रखे हैं। ये क्षेत्रीय केंद्र भी हैं इनके स्थापित किए गए हैं, और ये अपने कार्यों का क्या करते हैं, इसके माध्यम से क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूजीसी आयोग के अन्य कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, आपसे पूछा जाएगा पुणे में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है, भोपाल में, गुवाहाटी में और बेंगलुरु में। यहां से आपके क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कहां यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, तो आपको बताना है कि कहां कहां है, भोपाल में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, इस तरह से तमाम नाम आपको बताने हैं, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है, तो इस तरह से आप, अब देखिए अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछने वाले की डिमांड बढ़ती जाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन जो आप सूचना दोगे यूजीसी के बारे में, वो भी आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको बताया कि यूजीसी के बारे में सामान्य तौर से अगर आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका सामान्य इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय और कार्य के साथ आप उसको बता सकते हैं। उसी तरह अगर आपसे यही क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ लिया गया, तो कैसे 60 शब्दों में आप डील करेंगे। और उसके बाद कई बार आपसे पूछा जाता है कि यूजीसी को विस्तार से समझाइए, इसके काम, इसके उद्देश्य, इसके कार्य बताइए, तो आप चीजों को और आगे डिटेल में भी लिखेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए आपको सारी चीजें बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाई और बताई जा रही हैं। तो विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, शिक्षण और परीक्षा के मानक बनाए रखना, अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब आप समझिए, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, विश्वविद्यालयों में रिसर्च का काम कैसे हो, और विश्वविद्यालयों में रिसर्च का काम तो ठीक है, विश्वविद्यालयीन स्तर पर कैसे रिसर्च के काम हो वो तो ठीक है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए और कौन कौन से नए प्रयोग किए जाने चाहिए, और कौन कौन से रिसर्च करके नई नई गतिविधियां, नई नई तकनीकों को लाना है, उसका भी काम कौन करता है, यूजीसी करता है। शिक्षण और परीक्षा के मानक को बनाए रखना, जैसे आप देखते हैं आपने नेट का एग्जाम का नाम सुना होगा, नेट का एग्जाम जो होता है वो भी कौन कराता है, वो भी यूजीसी ही कंडक्ट कराता है। अब विश्वविद्यालयीन शिक्षा को बढ़ावा देना, उनमें समन्वय करना, विश्वविद्यालयीन शिक्षा में क्या करना साथियों, बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयीन शिक्षा बेहतर कैसे हो, विश्वविद्यालयीन शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लाई जा सके, विश्वविद्यालयीन शिक्षा को और बेहतर कैसा बनाया जा सके, उसके लिए क्या क्या काम करने की आवश्यकता है, इन सबका निर्धारण करने का काम कौन करता है, इन सबके निर्धारण का काम यूजीसी करता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। आप एक एक पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपसे कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वो 8 नंबर में भी हो सकता है, वो 15 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कार्यों को विस्तार से बताइए। टू मेक रूल्स फॉर मेंटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन कंट्री, देश में साथियों वो कौन से न्यूनतम मानक हैं जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा में आवश्यक हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो व्यक्ति स्कूल के पढ़ने के बाद
जो कॉलेज में पढ़ रहा है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ रहा है, वो समाज का वो व्यक्ति है जो आगे कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए, कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ करने वाला है, उसका योगदान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश को होने वाला है। तो हम वो कौन कौन से मानक तय करें जिससे बेहतर नागरिक का, देखिए ये केवल ना जो शिक्षा होती है वो केवल सब्जेक्टिव ना होकर के वो ऑब्जेक्टिव बने, केवल वो सब्जेक्टिव ना रह जाए कि हमने पढ़ा, हमने सिलेबस अपना पढ़ा और उसके बाद हमने एग्जाम क्वालिफाई किया, अच्छी जॉब लग गई। ये उद्देश्य यूजीसी आयोग का कुछ हद तक तो मान सकते हो आप, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में उद्देश्य यही है एक बेहतर नागरिक का निर्माण कैसे हो, उसमें सिलेबस में कैसे आपको इथिकली, कैसे सामाजिक तौर पर कैसे आपको एस्टेब्लिश बनाया जाए, कैसे आपको समाज के एक सभ्य नागरिक के तौर पर तैयार किया जाए, उसके लिए भी कौन कौन से मानक होने चाहिए, न्यूनतम मानक किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। और हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया भी कि जैसे साइंस का कोई महाविद्यालय है तो साइंस के महाविद्यालय में क्या क्या न्यूनतम चीजें होनी चाहिए, जैसे लैब की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्य फैसिलिटीज होनी चाहिए। उसी प्रकार आर्ट का अगर महाविद्यालय है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इन सारी चीजों की बात वहां की जाती। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को उनके विकास के लिए अनुदान देना। साथियों सरकार के द्वारा जैसे आप देखते होंगे कि शिक्षा में बजट का प्रावधान किया जाता है, अब शिक्षा में बजट का प्रावधान किया गया तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज तक पहुंचेगा कैसे, महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक पहुंचेगा कैसे, तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को यूजीसी ही पहुंचाता है अलग अलग विश्वविद्यालय और अलग अलग महाविद्यालय के अंतर्गत। तो यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालयीन शिक्षा में, चाहे वो महाविद्यालय हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, वहां तक अनुदान पहुंचाने का काम कौन करता है, यूजीसी के द्वारा किया जाता है। आवंटन का काम यूजीसी के द्वारा ही किया जाता है। टू एग्जामिन द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, क्या कहा गया कि शिक्षा में, चाहे विश्वविद्यालयीन शिक्षा हो, इसमें विकास की जांच करना कि इसमें समय समय पर डेवलपमेंट हो रहे हैं कि नहीं, शिक्षा के स्तर पर कुछ नई चीजें हो रही हैं कि नहीं, विकास हो रहे हैं कि नहीं, नए सुधार हो रहे हैं कि नहीं, नए अनुसंधान हो रहे हैं कि नहीं, व्यवस्था बेहतर तरीके से किसी भी विद्यालय महाविद्यालय की शिक्षा के तौर पर कम से कम बेहतर चल रही है कि नहीं, इसका निर्धारण का काम भी यूजीसी का, न केवल निर्धारण का बल्कि समन्वय बनाने का और देख रेख रख रखाव करने का भी काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का होता है। और भारत और अन्य देशों की विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में जानकारी एकत्रित करना, इससे क्या तात्पर्य है कि भारत के अंतर्गत अलग अलग विश्वविद्यालय में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में क्या बेहतर हो रहा है, जो कि हम एक यूनिवर्सिटी से सीख करके दूसरी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। और यह न केवल भारत के स्तर पर, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कैसे विश्वविद्यालय शिक्षा बेहतर हो रही है, कैसे विश्वविद्यालयीन शिक्षा को और बेहतर किया जा सकता है। मान लीजिए कि कई बार आप देखते होंगे कि जो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, चाहे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री है, या कि हमारे देश का कोई भी प्रतिनिधि शिक्षा के तौर पर बाहर जा करके ये रिसर्च करने का काम करता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अपने सदस्य भी और अध्यक्ष भी समय समय पर अन्य देशों की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की गुणवत्ता, वहाँ से क्या सीखा जा सकता है, उसके लिए समय समय पर प्रयास करते रहते हैं, उसके लिए भी जानकारी एकत्रित करना, जिससे हम अपने यहाँ की विश्वविद्यालय शिक्षा को विदेश से जो भी हमको चीजें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें बेहतर करने के लिए आवश्यक है वो कर सकते हैं, या कि अपने भारत के अंदर ही कोई महाविद्यालय और बेहतर काम कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटीज और बेहतर काम कर रहा है, तो उससे सीख करके हम किसी अन्य यूनिवर्सिटी पर उसका इंप्लीमेंटेशन कर सके, जिससे वहां की व्यवस्था भी सुदृढ़ हो पाए, वहां की व्यवस्था भी बेहतर हो पाए। तो ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको देखने को मिलता है। तो यूजीसी का महत्वपूर्ण काम क्या है आप समझे होंगे, जैसे हमने एनसीईआरटी के बारे में आपको बताया था कि एनसीईआरटी जो क्या है, वो जो विद्यालय के स्तर पर है, जो स्कूल के स्तर पर है, वहां की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का काम। उसी प्रकार यूजीसी का काम क्या होता है, विश्वविद्यालयीन शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा को बेहतर बनाना और उसे क्या करना, उसे क्रियान्वित करना कि बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं चलती रहे। उसी प्रकार
जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक बेहतर संबंध बना रहे। जैसे शिक्षा हमने आपको बताया कि समवर्ती सूची का विषय है, उसी प्रकार से जो हमारे केंद्र सरकार है, जो हमारी संघ सरकार है या कि वो किसी अन्य राज्य की राज्य सरकारें हैं, वो शिक्षा के लिए कैसे काम कर रही हैं, उनमें आपस में समन्वय बना रहे, आपस में एक दूसरे से क्या करके, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ये क्या करती हैं, ये सलाह मशवरा करके उसके लिए काम करें। तो उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच संबंध बनाए रखने का काम किसका होता है? यूजीसी का होता है। यूजीसी एक माध्यम होता है जो संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या करता है, कम्युनिकेशन का माध्यम विश्वविद्यालयीन स्तर पर निर्धारण करने का काम करता है। उसी प्रकार इट आल्सो एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अबाउट द स्टेप टू बी टेकन इन इंप्रूव द एजुकेशन सिस्टम। क्या कहा गया कि ये केंद्र और राज्य सरकार को शिक्षा व्यवस्था में क्या किया करना, सुधार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सलाह देना। कि मान लीजिए कोई केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, कोई राज्य सरकार या कि हमारी केंद्र सरकार है, अब वो शिक्षा के लिए कोई कदम उठाने जा रही है, कोई नई व्यवस्था बनाने जा रही है, तो वो कहाँ किस हद तक सही है, इसका निर्धारण का काम भी, इसको व्यवस्था बनाने का काम भी यूजीसी के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आपने इन सब चीजों को समझा। उसी प्रकार किसी नए विश्वविद्यालय की स्थापना या किसी भी विश्वविद्यालय के विस्तार के प्रस्ताव पर किसी भी प्राधिकरण को सलाह देना। अब मान लीजिए कि कहीं किसी राज्य सरकार को या कि केंद्र सरकार को ही कोई नया विश्वविद्यालय का क्या करना है, स्थापना करनी है शिक्षा के लिए, तो उसके लिए क्या मापदंड होने चाहिए, उसके लिए किसी भी प्राधिकरण को सलाह, अगर आवश्यकता है कि सलाह दी जानी चाहिए, तो सलाह देने का काम भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता है। उसी तरह विश्वविद्यालयों में समय समय पर उनकी गतिविधियों की जानकारी लेना कि हमने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं उसको विश्वविद्यालय और महाविद्यालय मान भी रहे हैं कि नहीं। जैसे आपके घर परिवार में एक कोई आपके जो गार्जियन है उन्होंने रूल बनाया कि बेटा आपको 5 से 7 बजे तक ही क्या है खेलने बाहर निकलने जाना है, तो अब वो समय में 15 दिन बाद 20 दिन बाद ये आपकी निगरानी करें कि बेटे को बताया गया है कि 5 से 7 बजे के बीच में ही बाहर जाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो नियमों का उल्लंघन करके काम कर रहा है। तो उसी तरह निर्धारण का, परीक्षण का आपकी जो गाइडलाइन बनाई है UGC आयोग ने किसके लिए, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए, वो उसका पालन कर भी रहे हैं कि नहीं, उसके समय समय पर निर्धारण का और उसका गतिविधियों की जानकारी लेना। शैक्षणिक या प्रशासनिक हो सकती हैं, कहने का मतलब कि उनकी जानकारी लेना। अब वो जानकारी नियमन भी हो सकती है, जो नियम कायदे कानून रूल्स उनको भी लेकर के हो सकती है। वित्तीय खर्च पर्च के लिए जो आपको पैसे दिए गए, अनुदान दिए गए, उसको आप सही जगह खर्च कर रहे हैं कि नहीं। अगर किसी भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय को ये कहा गया कि आपके यहाँ लैब की बेहतर व्यवस्था अब क्या है, जो पहले से चली आ रही थी वो पुरानी हो चुकी है, अब आपको और बेहतर करना है, आपको ये इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप खरीदना है, आपको लैब के लिए अन्य बहुत सारी चीजें खरीदनी है, तो आप उसको खरीदेगी नहीं, आपने ऐसे तो नहीं है कि पैसे कहीं और जगह खर्च कर दिए और दिया किसी और के लिए गया रहा हो। जैसे आपको दिया जाए कि आप जा करके घर के कुछ किराने का सामान लेकर के आना और आप गए और फुटबॉल लेकर के आगे, तो इसका भी क्या करना, देखना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग काम करता है कि हमने जिस काम के लिए पैसे दिए थे वो काम हो रहा है कि नहीं, व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से चल रही हैं कि नहीं, शिक्षा में, विश्वविद्यालयीन शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है, इन सब का काम करता है कौन, विश्वविद्यालय आयोग। उनका निरीक्षण का, निर्धारण का, रख रखाव का, इन सब का काम उसके द्वारा किया जाता है। और अपने राष्ट्रव्यापी शैक्षणिक चैनल है इसका एक व्यास, उसके माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न धाराओं में शिक्षा प्रदान करना, कहने का मतलब कि ये समय समय पर अपने और भी माध्यम जो हैं उसका भी प्रयोग करके क्या करता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बेहतर तरीके से काम होता रहे इसके लिए व्यवस्था बनाने का काम करता है। तो साथियों, UGC को एक सामान्य तौर पर कैसे आप आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं आपके PCS एग्जाम में, CGPSC के एग्जाम में, अगर आपको पेपर 7 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसे आप कैसे डील करेंगे,
उसके बारे में हमने चर्चा की। हमने आपको बताया कि 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको काम को निर्धारित करते हुए, इतिहास को निर्धारित करते हुए आप बताओगे कि अस्तित्व में सबसे पहली बार 53 में आया, 1953 में इसको सांविधिक दर्जा कब मिला। सांविधिक दर्जा, और देखिए संवैधानिक निकाय होता है और एक सांविधिक निकाय होता है और एक गैर संवैधानिक निकाय होता है, तो आप कैसे समझेंगे। सांविधिक निकाय वो निकाय है जो पहले से तो संविधान में उसका वर्णन नहीं था लेकिन किसी न किसी संसद के अधिनियम द्वारा उसे मान्यता प्राप्त है, तो उसे मान्यता कब दी गई, उसे 1956 में मान्यता दी गई। ये क्या काम करता है, ये विश्वविद्यालय शिक्षा में निर्धारण करने का काम, शिक्षा में उसके मानक का निर्धारण करने का, उसमें रख रखाव करने का काम और इसमें व्यवस्था बेहतर रूप से सुचारू रूप से चलती रहे इसका काम करता है, ये आपको बताना है। उसके बाद आपको अगर यही 4 नंबर में पूछा जाए तो उसके कुछ काम भी उसके अंतर्गत ऐड करना है। उसके बाद 8 नंबर, और अगर आपको विस्तार से 15 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया तो आपको परिचय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है, और हाल ही में अगर आपसे बात करें आपको बताएं तो एम जगदीशन इसके क्या है, UGC आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है। इसके कितने, इसके क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में बात की हमने कि 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके, और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ है, वो नई दिल्ली में है। इन सारी चीजों को मेंशन करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को प्रभावी बना सकते हैं। और मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ साथियों कि अगर ये जो आपको यहाँ चीज़ें बताई गई हैं इसको आप स्पष्ट तौर पर बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं, बेहतर तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप यकीनन UGC में बेहतर उत्तर लिख करके आओगे एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन पूछा गया UGC को लेकर के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में UGC को लेकर के आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम चलते चलते एक और बात कर लेते हैं, आपको वापस से याद दिला देते हैं कि साथियों हमारा अभी जो आने वाला 19 तारीख है वहां आपको मंगला चौक से चल करके, अब हम कहां पहुंच रहे हैं, गांधी चौक। तो ये 19 जून को गांधी चौक में एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जिसमें आप CGPSC के कोर्स में और खासकर इंटीग्रेटेड में आप क्या पा सकते हो, 90% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, और फर्स्ट रैंक आने वाले व्यक्ति को फीस में डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ उसे स्मार्टफोन दिया जाएगा, जो सेकंड रैंक लेकर के आएगा उसे स्मार्ट वॉच दिया जाएगा, और बाकी जो फिर आगे ऐसे क्रमशः उसको, चाहे एयरबड की बात करें, फिर और बहुत सारे आकर्षक ऑफर हैं, जैसे बैग दिया जाएगा आपको, उसी प्रकार आपको टी-शर्ट दी जाएगी कोको की, तो ये तमाम सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जो छात्र CGPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, वो हमसे जुड़े, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। तो साथियों मेंस कॉन्सेप्ट सीरीज में आज हमने पढ़ा UGC के बारे में, विस्तार से चर्चा की, विस्तार से देखा कि कोई भी अगर आयोग आप पढ़ रहे हैं तो उसे आप मेंस में आंसर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। तो आप आगे भी जुड़े रहिए कंपटीशन कम्युनिटी टीम के साथ, तब तक के लिए आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।